आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिनभर की हाँ बड़ी खबरें। सर जैसे कि ये समाजवादी रसोई से विशाल भंडारा कर रहे हैं आप, तो इसका क्या उद्देश्य है? माननीय सर बाबूजी हम लोग की मार्गदर्शक थे और पूरी पार्टी की रीढ़ थे, तो हम आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर समाजवादी रसोई के तत्व विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ किया करते थे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए, उनको खाने का इंतजाम करना, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना। सुबह 9 बजे से जो रात 10 बजे तक उनका कार्यक्रम यही चलता है, तो उनकी सच्ची उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो थी, तो आज भूखों को खाना खिलाना था। और बाबूजी का सपना था कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें, देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखें, तो बाबूजी के उसी सपने के साथ आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आज यहाँ से संकल्प लेके जाएगा हर नौजवान, हर कार्यकर्ता यहाँ संकल्प लेके जाएगा उनकी पुण्यतिथि पर कि अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाना है और 2022 में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनाना है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अशारत बाबू जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने युवा मतलब उनके लिए युवाओं के लिए उनको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। अखिलेश यादव जी को उन्होंने नेताजी के साथ आए, वो नेताजी उनको लेके आए, वो अपने प्रशासनिक सेवा में नेताजी ने अपना ओएसडी बनाया, फिर नेताजी के साथ रहे, नेताजी को आगे बढ़ाया पूरा पार्टी का काम, फिर अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया। सोचिन मन से उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, संवेदना हम प्रकट कर रहे हैं और उनके सपने को पूरा करने के लिए आज से नौजवान मतलब संकल्प लेता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई भी काम करेगा। बेल आइकन दबाएं।